स्वाभिमान जगा भारत का, नवयुग की तैयारी है। भ्रष्टाचार को अब न सहेंगे, सदाचार की बारी है। भ्रष्टाचार को अब न सहेंगे, सदाचार की बारी है। स्वाभिमान जगा भारत का, नवयुग की तैयारी है। स्वाभिमान जगा भारत का, नवयुग की तैयारी है। जाग उठा है देश सारा, दृढ़ संकल्प की बारी है। स्वाभिमान जगा भारत का, नवयुग की तैयारी है। स्वाभिमान जगा भारत का, नवयुग की तैयारी है। आज बात ही पवित्र दिन है, आज गुरु पर्व है, प्रकाश पर्व है, गुरु का अवतरण दिवस है। आप सबको और पूरे संसार को, क्योंकि गुरु का जन्म किसी एक पंथ विशेष के लिए ही नहीं, पूरे संसार के उद्धार के लिए, उपकार के लिए हुआ। और गुरु नानक देव महाराज इस धरती के ऊपर भगवान के वरदान बनकर के प्रकट हुए। उनका जीवन, उनकी शिक्षाएं और उनका तप, वो विश्व कल्याण के लिए था। आप नारायण कलाधार जगमय परवर्यो, ऐसी महान गुरु की महान परंपरा को, उनके महान जीवन को प्रणाम करते हुए आप सबको, सारी संगत नो, अति सारे संसार नो गुरु पर्व दी लख लख बधाइयां। आप सबको प्रणाम करते हुए, गुरु परंपरा को प्रणाम करते हुए, आज गुरु पर्व पर हमारे बीच में उस गुरु परंपरा, ऋषि परंपरा, संत परंपरा का निर्वहन कर रहे श्रद्धे पूज्य वंदनीय बाबा देवेंद्र सिंह जी महाराज जी के साथ साथ इस मंच पर विराजमान हमारे पूज्य श्रद्धे बाबा भूपेंद्र सिंह जी महाराज, और हमारे बहुत ही ओजस्वी तेजस्वी सन्यासी पूज्य बाबा ऋषिराज जी महाराज, एक बार सब संतों का सबके ओर से हृदय से बहुत बहुत वंदन। और आज गुरु पर्व पर गुरुओं के सानिध्य में हमको एक गुरु पर्व पर योगाभ्यास करके सुबह की शुरुआत करने का ये सौभाग्य भगवान ने दिया है। मैं चाहूंगा कि हमारे पूज्य बाबा देवेंद्र सिंह जी महाराज आशीर्वाद के दो शब्द कहें। पूज्य बाबा जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज संसार भर में, सारे विश्व में बहुत प्यार सत्कार से लोग मना रहे हैं। हमको कितनी खुशी है कि इस पावन पवित्र भूमि तरन तारन, जो कि गुरु अर्जन देव महाराज जी ने अपने हाथ से बसाया है, इस शहर में पावन पवित्र दरबार साहब के नजदीक इस मंच पे हमारे समक्ष बैठे हुए युग पुरुष स्वामी रामदेव जी महाराज के पास अवतार पर्व का ये आनंद ले रहे हैं। आप सबको अवतार पर्व की बहुत बहुत बधाई हो। आप नारायण कलाधार जगमय परवर्यो, सतगुर नानक प्रगटया, मिटी धुंध जग चानण होवा, बलियो चराग अंध्यार में सब कल उदरी, एक नाम धर्म।
राय भोए की तलवंडी पाकिस्तान में महाराज जी का अवतार हुआ और केवल सिख जगत में ही नहीं सारे संसार को जो उन्होंने उपदेश दिया है वो आप सबको मालूम है। धन गुरु नानक देव महाराज मक्के गए, मक्के जा कर के सभी इस्लाम को जो संदेश दिया ओ परम्परा परमात्मा अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले को मंदे लोगा भरम न भूलो भाई, खालक खलक खलक में खालक पूर रहो सर्व ठाई। सबको सांझा उपदेश दिया खत्री ब्राह्मण शूद वैश उपदेश चौं वर्णा को सांझा। धन गुरु नानक देव महाराज ने सारे संसार में बहुत जगह चक्कर लगा करके जो मैसेज दिया अज्ञानता का, जो राजे लोग पाप करते थे जैसे बाबर आदि का समय था उस टाइम पे गुरु नानक देव महाराज ने कहा था ये अत्याचार जो कर रहे हैं बाबर वाणी में ये सभी गुरु नानक देव महाराज जी ने उपदेश दिया है। सो कभी किसी से उन्होंने किसी तरह का कोई झकना नहीं किया, इसलिए अवतारी पुरुष इस संसार में आकर के सबको जो मैसेज देते हैं वही बात आज इस समय में स्वामी रामदेव जी महाराज कर रहे हैं। जो आज की राज सत्ता में पाप अपराध हो रहा है उस धुंध को दूर करने के लिए ये बहुत बड़ा अभियान स्वामी रामदेव जी महाराज ने प्रारंभ किया है। सो उसी तरह से ही लोगों को जैसे सच्चे पातशाह गुरु नानक देव महाराज जी संदेश दिया करते थे और सबको समझाया करते थे, गांव में जाते थे शहरों में जाते थे और गुरु नानक देव महाराज सबको कहते थे धर्मशाला बनाओ, इसमें बैठ करके सत्संग करो। और स्वामी जी महाराज शरीर को धर्मशाला बनाते हैं, धर्म का घर बनाते हैं। जैसे पवित्र आत्मा होगी धर्म का घर बनेगा, जब धर्म का घर बनेगा सत का संग होगा, सत का संग होगा तो प्रभु से मिलेंगे। तो यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारा ध्येय है। इसलिए गुरु नानक देव महाराज जी ने जो मैसेज देकर सारे संसार में जो फतह लहराई है सो उसी तरह से स्वामी जी महाराज और महान आत्मा महापुरुष संसार भर में ये परोपकार कर रहे हैं। गुरु नानक देव महाराज जी के वचन है संत अनंत अंतर नाही, साधु का और भगवान का अंतर नहीं होता। हर हर जन दुई एक है, बिब विचार कछ नाही, जलते उपज तरंग ज्यों जल ही बिखे समाहे। जैसे जल में जल एक होता है अपेद होता है, ऐसे ही महात्मा महापुरुष प्रभु परमात्मा के नित्य अवतार जो होते हैं अंशावतार अवेशावतार निमित्त अवतार नित्य अवतार पूर्ण अवतार पूर्णतम अवतार साहब श्री गुरु नानक देव महाराज जी ने आकर के संत जगत पैदा किया, साधु महात्मा आज तक वो हुई परंपरा चला करके संसार भर में प्रचार कर रहे हैं। सो स्वामी जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद है जो तरन तारण नगरी में आकर के कल साहब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी के गुरुद्वारा तरन तारण में नतमस्तक होकर के आशीष लेकर के संसार भर में जो उपदेश दे रहे हैं। प्रभु परमात्मा कृपा करे कि ये इसी तरह अभियान चलता रहे और संसार में जो अवतारी पुरुष महापुरुष आकर के करते हैं वो अपने को भी मानना चाहिए। स्वामी जी महाराज भी हमारे में जितने दोष हैं इनको निकालते हैं, शरीर परमात्मा का मंदिर है इसको शुद्ध करते हैं। जैसे हम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे कितने साफ करते हैं, सुबह सुबह उसमें बैठ करके परमात्मा का अर्चन वंदन करते हैं,
इसी तरह से स्वामी जी महाराज मन मंदर तन वेश कलंदर घट ही तीर्थ नावा, एक शब्द मेरे प्राण वस्त है बहुर जन्म नावा, और इस शरीर को इस मन को पवित्र करके उस प्रभु परमात्मा को मिलाने की युक्ति बताते हैं। सो स्वामी जी महाराज के जितने भी योग अभ्यास हैं, प्रवचन हैं, जितना भी उपदेश है, सब उस परम पिता को मिलाने के लिए ये अभियान है। हम सबको इनकी बात को समझना, प्रैक्टिकल करना, मानना, सुबह सुबह योग करना, प्राणायाम करना, पहले अपने प्राणा को शुद्ध करना, अंतकरण को शुद्ध करके और प्रभु परमात्मा जुड़ करके अपनी यात्रा को सफल करना है। इसलिए आप सबको बहुत बहुत बधाई हो गुरु नानक देव महाराज जी के पर्व की। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज के अनुष्ठान से पूर्व गुरुओं की परंपरा का स्मरण करते हुए और उस गुरु परंपरा में अपनी निष्ठा व्यक्त करते हुए उन्हीं गुरुओं की बताई हुई राह पर आगे बढ़ने के लिए संकल्पित हो रहे हैं, तो आज गुरु पर्व पर गुरु नानक देव जी का, उनके दिव्य अवतरण का स्मरण करते हुए हम पूज्य संतों के आशीर्वाद के साथ आज के सत्र की शुरुआत कर रहे थे। और मैं पूज्य बाबा जी से भी कहूंगा, पूज्य बाबा भूपेंद्र सिंह जी से, वो भी आशीर्वाद के दो शब्द सबके लिए कहे। आज पूरे विश्व भर में धन गुरु नानक देव महाराज जी का अवतार पर्व मनाया जा रहा है। ऐसा प्रकाश जिसकी आभा पूरे ब्रह्मांड में बनी हुई है। गुरु नानक देव महाराज जी ने सिद्धों को कहा था कि तुम संसार में जब अंधेर हो चुका था, धुंध बन चुकी थी, तो सिद्ध कुछ जानते थे, सुमेर पर्वत पर पहुंच चुके थे। उनको जाकर कहा, ऐसा समय था, गुरु नानक देव कहते हैं, सिद्ध छप बैठे पर्वती, कौन जगत को पार उतारा। तो उनको कहा कि तुम जगत में जाओ, समाज का कल्याण करो। ये बड़ी कृपा बनी है कि हमारे सिद्ध पुरुष स्वामी रामदेव उस सुमेर पर्वत से नहीं बैठे, अलग से नहीं बैठे, पूरे विश्व में यहां तरन तारण की पंजाब की भूमि में आ चुके हैं। इनका पंजाब में यहां बहुत बहुत स्वागत है, तरन तारण की इस भूमि में। गुरु नानक देव महाराज जी उस समय आए हैं जब कल काती राजे कसाई धर्म पर पंख कर उड़ रहे। वो कहते हैं कि कूड़ अमावस सत चंद्रमा दिसे नहीं कह चले। ऐसी परिस्थिति में आ चुके थे गुरु नानक देव जी, जब ऐसा वातावरण था, उल्टी बाढ़ खेत को खाई, ऐसी परिस्थिति में उनका अवतरण हुआ है गुरु नानक देव महाराज जी का। तो घटनाएं बड़ी प्यारी हैं। वेई नदी में मर्दाना के साथ वेई में उधर के डूब गए, 3 दिन के लिए डूबे रहे। मर्दाना भागता रहा, जैसे ही गुरु नानक वेई में डूब गए, पूछता है कहां हो, कहां हो, आवाज दो। उनसे लगा कि वेई की लहरों से आवाज आ रही है, मर्दानिया धीरज रख, धीरज रख। 3 दिन के बाद प्रकट हुए। कहानी बड़ा प्यारा प्रतीक है। हंकार को गलने के लिए 3 दिन चाहिए कम से कम, हंकार का गलना जरूरी है। 3 दिन के बाद गुरु नानक प्रकट हुए हैं। साखी कहती है अकाल पुरख से उनका मिलन हुआ। जब ही मिटोगे, हंकार मिटेगा, तुम निरंकार बन जाओ। निरंकारी ज्योत बनकर गुरु नानक देव जी प्रकट हुए। तो पहली जो आवाज थी, पहला जो ब्रह्मनाद था, वो था एक ओंकार सतना। गुरु नानक देव महाराज जी ने जीने की कला सिखाई है, कैसे जीना है, जीवन का संतुलन दिया है। वो कौडे राक्षस के पास गए, सज्जन ठग के पास गए, उसको कहा ऐसे नहीं सज्जन जैसे तुम हो, बाहर होर भीतर होर बगले जैसा वैसे। वली कंधारी के पास गए, वो सिद्ध था, तुम सिद्ध हो गए, मगर जीने की कला आपको वली कंधारी नहीं आ रही। गुरु नानक देव महाराज जी जीने का ऐसा संतुलन दे रहे थे कि वो बाबर को तो सीधा ही कहते हैं, वो कहे ना, शायर कहता, फिर उठी आखर सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्दे कामल ने जगाया ख्वाब से। बाबर को सीधा कहा, कहती मार पई, वो अकाल पुरख से बात करते हैं, तय की दर्द ना आया,
जे सकता सकते को मारे ता मन रोस न होई। ये एक बहुत प्रेम भरा संतुलन है। पहली बाबर की चक्की में वो संतुलन दिखाई दे रहा है गुरु नानक की ज्योत में, और पंचम ज्योत तत्ती तवी के पूर्व बैठी स्वामी रामदेव महाराज जी तरन तारण उसी स्थान पर जाकर वहां तरन तारण नतमस्तक हो रहे थे। तो तत्ती तवी पर गुरु अर्जन देव गुरु नानक की नामी ज्योत बैठी है, नीचे आग बल रही है, ऊपर गुरु अर्जन देव जी है, मगर महान संतुलन बना हुआ है, इतना महान संतुलन। और नामी ज्योत पंचम ज्योत तो वहां तत्ती तवी पर, और नामी ज्योत गुरु दस जो दस गुरु दस जामे ज्योत एक, और नामे गुरु तेग बहादुर चांदनी चौक में शहादत दे रहे हैं उसी संतुलन। दसवें गुरु गोविंद सिंह आनंदपुर की पहाड़ियों के निकलते हुए सरसा नदी के किनारे हैं, दुश्मन फौजों ने हमला किया हुआ है, साहबजादा अजीत सिंह उस हमले का मुकाबला कर रहे हैं, और औरंगजेब को गुरु गोविंद सिंह गुरु नानक की नामी ज्योत चिट्ठी लिखती है जफरनामे की, वही संतुलन। चूंकार अस हमें हीलते दरगुजस्त हलालस्त बर्दन बा शमशीर दस्त व्हेन ऑल द सोर्सेज ऑफ पीसफुल पर्सुएशंस फेल देन इज द लेजिटिमेट फॉर मैन ऑफ रिलीजन टू मूव हिज हैंड टू द हिल्ट ऑफ द सोर्ड। औरंगजेब को कहा दसवें गुरु नानक ने, यदि तू भारत की संस्कृति को मिटाना चाहता है, तेरे नापाक कदम इस भारत को, इसकी परंपराओं को, इस राष्ट्र को, इसी ऋषि परंपराओं को मिटाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उनको रोकने के लिए हमारा भी शमशीर के ऊपर हाथ पहुंच रहा है। ऐसा प्यारा संतुलन, ऐसी प्यारी जीवन कला। हमें तो कभी कभी लगता है कि हम गुरु नानक का संदेश नहीं दे पा रहे, हमें लगता है भीतर से आता है जो वाणी है ना गुरुवाणी, यदि हम इसका प्रकाश दे सके, एक लाख वाणी दा कदे प्रचार आ जाए, ता खुद गर्जी छुपा के मुंह इस दुनिया तो भज जाए, गुरु नानक दी बाणी नू पढ़न जे मनुखता दे हामी, ता फिर संसार विच इंसानियत दा टोल बज जाए। आज ऐसा संजोग आज बना, योग ऋषि पतंजलि ऋषि के अवतार स्वामी रामदेव आज गुरु नानक के प्रकाश उत्सव के समय पंजाब की इस माझा की भूमि में यहां उपस्थित हैं। ये सबसे बड़ा कृपा का पर्व है। सबको बहुत बहुत बधाई। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सब ने प्रेम से बोलना है, वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। हमको बहुत कृपा पूर्वक आशीर्वाद दिया और अपने गुरुओं और महापुरुषों ऋषियों के संतुलन के बारे में बात की। वही संतुलन योग से आता है। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजयः सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। आज सतगुरु नानक प्रकटया मिटी धुंद जग चानन होया। हर दिन सुबह उठकर के हर एक बच्चे को 10 से 20 मिनट का योगाभ्यास करना चाहिए। पांच आसन, पश्चिम तानासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, ताड़ासन, ये पांच आसन सभी बच्चों के लिए। बच्चों के जिनके पैर थोड़े वीक हैं तो गरुड़ासन और पद्मासन भी कर सकते हैं। पद्मासन में ऐसे पैर रख के बैठ जाते हैं, दाएं पैर को बाएं, बाएं को दाहिने पर। छोटी उम्र में तो हो जाएगा, बड़ी उम्र में नहीं हो पाता है। बच्चों को एक से दो मिनट भस्त्रिका प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग, इससे उनके फेफड़े मजबूत रहेंगे, उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा, ऑटोमेटिक डिजीज नहीं होंगी, उनका एनर्जी का लेवल हाई होगा, उनको एलर्जी की बीमारी, जो योग करेंगे उनको कोई रोग, योग न करने से रोग होते हैं, योग न करने से क्या होते हैं रोग, जो नहीं करेगा योग उसको होगा रोग, और जो करेगा योग उसको नहीं होगा कोई, इसलिए करो योग रहो निरोग। जोर से तो बोलो, करो योग रहो
जो करेगा योग उसको नहीं होगा कोई, और जो नहीं करेगा योग उसको होंगे सब। अच्छा मुझे बीपी क्यों नहीं है, मुझे शुगर की बीमारी क्यों नहीं है, बोलो तो। सब बच्चे बोल रहे क्योंकि आप योग करते हैं। मुझे मोटापा क्यों नहीं है, मुझे योग करते हैं और दंड बैठक भी लगाते हैं, दौड़ भी लगाते हैं, थोड़ा सा दौड़ भी लगा लिया करो आपको जब मौका मिले। पहला भस्त्रिका एक से दो मिनट, फिर कपाल भाती। ये लोग जो रोगी हो रहे हैं ना, ये इसी वास्ते हो रहे हैं क्योंकि वो योग नहीं करते, इसलिए मोटे हो जाते हैं, इसलिए बीपी हो जाता है, इसलिए शुगर हो जाती है, इसलिए अर्थराइटिस हो जाता है, इसलिए स्ट्रेस हो जाता है, माइग्रेन पेन हो जाता है। योग करने से पूरा शरीर अंदर से स्ट्रांग रहेगा। और जो मोटे मोटी हो गए हैं, बीमारी हो भी गई है, तो योग करेंगे तो सब रोग खत्म हो जाएंगे, सब रोग खत्म, और आपकी हेल्थ और एकदम परफेक्ट। चेहरे पर कोई क्रीम पाउडर लगाने की जरूरत, बाल झड़ेंगे नहीं बहुतों के, तो नहीं तो कबड्डी का क्रिकेट का मैदान तैयार हो जाता है, ऊपर बाल ही नहीं रहते, चेहरे पर रौनक नहीं रहती है, ऐसे लगते जैसे फ्यूज उड़े हुए हो, और किसी किसी के गाल ऐसे चिपके होते हैं जैसे किसी ने आम चूस करके गुठली फेंक रखी हो। योग करेंगे चेहरे पर रहेगी चमक, चेहरे पर क्या रहेगी, उभरे हुए होंगे, काले काले होंगे, उभरा हुआ होगा सीना छाती, और उभरी हुई होंगी, उभरी हुई होंगी जंघाएं, और सिकुड़ा हुआ होगा और कसी भी होगी कमर। और इसके लिए क्या करना, कपाल भाती, इसके लिए क्या करना, कपाल भाती से करने से हमारी फिटनेस रहेगी नंबर, कंसंट्रेशन नंबर, आईक्यू नंबर, क्लास में नंबर, कैरेक्टर में नंबर, करो तो। इतने फायदे बता दिए, इतने बेनिफिट्स हैं। अब इसमें ऐसे कंधे नहीं हिलाना, ऐसे नहीं करना, उल्टा नहीं करना, कैसे करना, देखो राइट मेथड, पांच मिनट फिर भाई ये प्रणाम। फिर अग्निसार, ये तीन से पांच बार ये करना, फिर अग्निसार तीन से पांच बार, श्वास को बाहर छोड़ दिया, बाहर रोक दिया, पेट को अंदर खींचा, ढीला छोड़ा, फिर नौली में थोड़ा कष्ट होता है, फिर उज्जाई गले और थायराइड के लिए, ये बहुत जरूरी है, उज्जाई भी गले के लिए और थायराइड के लिए उज्जाई प्राणायाम वो बहुत जरूरी है। वो कैसे होता है, गले को टाइट करके ऐसे देखो, सांस को अंदर भरो, और दाएं नाक को बंद करके बाएं से छोड़ देता। ये उज्जाई गले, थायराइड के लिए, टॉन्सिल के लिए, कफ के लिए, एलर्जी के लिए, बच्चों को टॉन्सिल की बीमारी, थायराइड की बीमारी, गले की खराश, खांसी ये बहुत होता है, उनके लिए बहुत जरूरी। फिर अनुलोम विलोम, देखो ऐसे
ऐसे हाथ, ये वायु मुद्रा, ये ध्यान मुद्रा, ये वायु मुद्रा, ध्यान मुद्रा कंसंट्रेशन के लिए, आयु के लिए, आयु के लिए नॉलेज को बढ़ाने के लिए, एनहांस करने के लिए ये, और वायु मुद्रा ये गैस्ट्रिक के लिए, अर्थराइटिस के लिए, वायु के लिए बहुत अच्छी। लेफ्ट से लिया, राइट से बाहर, राइट से लिया, लेफ्ट से बाहर, पहले उंगली माथे पर, फिर अनुलोम विलोम 5 मिनट करके देखो, ब्राह्मरुद्ध की 3 से 5 बार करना, शीर्ष त्रिंगुल आंखों पर, कान अंगूठे से बंद, इससे कंसंट्रेशन आयु के लेवल बहुत बढ़ जाएगा, मन शांत हो जाएगा, कान बंद मुख भी बंद, ऐसे करना 3 बार, श्वास भरो, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, आंखें बंद, लंबा गहरा सांस भर के, ओ लंबा सांस भरो, एकदम शांत, ब्रेथ के ऊपर मन को कंसंट्रेट करके, श्वासों पर मन को टिका के, श्वासों की माला से सुमरू में तेरा नाम, हे प्रभु तूने जन्म दिया, जीवन दिया, ओ माय ऑलमाइटी गॉड यू हैव गिवन मी ब्रेथ एंड यू हैव गिवन मी लाइफ, I am existing today because of you. You are the creator and sustainer of my life. Prabhu, tu hi mera sab kuch hai. Tujhse hi sab kuch hai. Dono haathon ko upar utha lete hain. Aapas mein ragadte hain. Dono haathon ko rakh lete hain. Aankhein khol lete hain. Aise ye pranayam roz karna sabko. Aur kuch asan height badhane ke liye, body ki fitness ke liye. Ab kuch bachchon ki kuch khaas bimariyan जिनका दिमाग कमजोर हो, एक तो प्राणायाम करना, और दूसरा जिनके को उपलब्ध हो दूध, बादाम, अखरोट, ये दिमाग को बढ़ाते हैं, कुछ चीजें दिमाग को बढ़ाते हैं, कुछ चीजें खून को बढ़ाती हैं, अलग 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 चीजें अलग अलग बॉडी के पार्ट्स को पावर देती हैं, एनर्जी देती है, स्ट्रेंथ देती है। जरा सुनना, जिनके बाल झड़ते हो बच्चों के बहुत ज्यादा, या बचपन में ही सफेद हो गए हो, आंखों पर चश्मा हो, चेहरा भी खराब हो गया, पिंपल्स हो, और पेट भी खराब रहता हो, तो आंवला जूस पीना। क्या पीना? आंवला जूस। आंवला जूस बालों के लिए, आंखों के लिए, स्किन के लिए और पेट के लिए बहुत अच्छा होता है आंवला जूस। नहीं तो आप देखते ना, उम्र बढ़ने के साथ बाल झड़ते हैं, आंखें कमजोर हो जाती है, पेट खराब हो जाता है, स्किन खराब हो जाती है। जो आंवले का जूस पिएंगे उनको ये प्रॉब्लम्स कभी भी नहीं होंगी। ये तो एक बात बताई। फिर कुछ बच्चों को रात को शूशू हो जाती है, सोते समय हो जाती है ना। छोटे बच्चों को तो चलो होती है, जो छोटे होते हैं उनको तो शूशू वाला पैड भी लगा के रखते हैं,
लेकिन ये बच्चे बड़े वाले गड़बड़ कर देते हैं तो कपाल भाती करेंगे तो रात को शुशु, रात को यूरिन नहीं होगा। ज्यादा प्रॉब्लम हो तो तिल कुट के खिला देना, तिल तिल कुट के खिला देना और खजूर खिला देना, खजूर। और ज्यादा ही प्रॉब्लम हो तो चंद्र प्रभावटी और विष तिंदुक वटी वैद्य जी से लेकर के दे देना, पतंजलि चिकित्सालयों से मिल जाएगी। जिस बच्चे के फेफड़े कमजोर हो तो क्या करना, उसको आश्रम का च्यवनप्राश दे देना, है ना। ये च्यवनप्राश असली ओरिजिनल होना चाहिए, ओरिजिनल च्यवनप्राश पतंजलि पीठ की ओर से, दिव्य फार्मेसी पतंजलि आयुर्वेद की ओर से भी बना के आपको देते हैं, ऋषि मुनि जैसे बनाते थे। बहुत टेस्टी भी होता है, बहुत हेल्दी होता है। फिर जिन बच्चों का वजन कम हो तो उनको देना अश्वगंधा और शतावर। अश्वगंधा और शतावर खाने से वजन कम नहीं रहेगा, वजन बढ़ जाएगा। अच्छा, एक दो टिप्स और बताते हैं। केला खाने से और खजूर खाने से भी जो अंडर वेट है वो नॉर्मल वेट हो जाते हैं। तो अंडर वेट है उनको क्या खाना, केला। अंडर वेट को क्या खाना, और खजूर। और ऊपर से क्या पीना, दूध। दूध खजूर केला खाने वाला कभी अंडरवेट नहीं रहेगा। अच्छा, किसी किसी बच्चे को खाना खाते ही टॉयलेट जाना पड़ता, आपने देखा होगा, ये आंतों की कमजोरी से होता है। कपाल भाती करेंगे तो खाने के तुरंत बाद टॉयलेट जाना नहीं पड़ेगा। और दूध थोड़ा बंद करना पड़ता है, जब ऐसा हो जाता है तो छाछ पिलाते हैं। ऐसे सुबह और दोपहर को छाछ दही लेना चाहिए, रात को दूध पीना चाहिए, रात को दही नहीं खाना चाहिए। बच्चों को कुछ प्रश्न पूछना है मेरे से हेल्थ के बारे में, किसी बच्चे को कोई हेल्थ प्रॉब्लम है क्या, बोलो बेटा जोर से बोलो। हेल्थ, हेल्थ के लिए फर्स्ट, उसके बाद में करप्शन, ब्लैक मनी एंड हमारा स्ट्रॉन्ग कैसे होगा कंट्री, भारत कैसे वर्ल्ड की इकोनॉमिक सुपर पावर बनेगा, ये सब बाद में। फर्स्ट हेल्थ क्वेश्चंस, पहले स्वास्थ्य के बारे में प्रश्न। बोलो बेटा। कमर में दर्द होता है। बच्चों को यदि बैठे बैठे कमर दुखती हो तो योगाभ्यास, एक तो बटरफ्लाई करना, एक भुजंग आसन करना। भुजंग आसन जानते हो ना, दोनों हाथ छाती के दोनों साइड में रख के दोनों पैर पीछे पास में सामने से उठा देते हैं, तो ये भुजंग आसन बहुत अच्छा रहता है कमर के दर्द के लिए। और किसी को हेल्थ के लिए क्वेश्चन पूछना है, बोलो बेटा, बोलो बोलो। ओम बाबा जी, इसको स्किन की प्रॉब्लम बहुत है, ठीक नहीं होती कभी। जिन भी बच्चों को स्किन की प्रॉब्लम रहती है उनको नीम की गोली खिला देना, आश्रम की गोली मिल जाएगी, और ज्यादा ही है तो फिर कायकल्पवटी खिला देना, नमक और मीठा कम कर देना, तो स्किन की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। नीम की गोली या कायकल्प की गोली, है ना, छोटी गोली है कायकल्प की, नीम की भी गोली, नीम या कायकल्प की गोली खिलाने से 100% स्किन ठीक हो जाएगी। और एक बात और सुन लो, जिनको बार बार बुखार होता है ना, सर्दी जुकाम बुखार खांसी, वो क्या करना, गिलोय घनवटी ले लेना। क्या लेना, गिलोय। क्या लेना बोलो, गिलोय। और बच्चों को कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो तो पूछ लेंगे, पूछ लो बेटा, पूछ लो। आंखों की सिकरी और गाल पे चिट्टा निशान। ओ, चिट्टा निशान, और इसके लिए तो बेटा एक कपाल भाती, अनुलोम विलोम प्राणायाम और आंवले का जूस बताया ना। और एक और सुनो, ये थोड़े थोड़े सफेद निशान ना बच्चों को हल्के हल्के ऐसे पेट में कीड़े होने से हो जाते हैं, तो मरवा की चटनी, आड़ू के पत्तों का रस अथवा बिडंग, बिडंग आसव अथवा कमीले का पाउडर, कई चीजें बता दी है मैंने, आस्था टीवी पर भी आप देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इससे पेट के कीड़े खत्म हो जाएंगे तो ये चक्के चक्के नहीं पड़ेंगे ऐसे। और सोते समय किसी बच्चे को मुंह से पानी भी निकलता तो उसके पेट में कीड़े होते हैं, वो भी खत्म हो जाएंगे। बोलो हेल्थ क्वेश्चन, बोलो बेटा। हाँ जी स्वामी जी, स्वामी हाँ बोलो इधर से। स्वामी हाँ, मुझे खांसी बड़ी जल्दी लगती है। जिसको खांसी जल्दी आती है तो प्राणायाम करेंगे ना तो फेफड़े मजबूत हो जाएंगे, खांसी बार बार नहीं लगेगी। च्यवनप्राश खा लेना आश्रम का,
और गिलोय घनवटी खाने से इम्यून सिस्टम अच्छा हो जाता है। क्या बोला? गिलोया। क्या बोला? बोलो गिलोय। क्या है? गिलोय। अर्ची अनुप्रास, ठीक है ना? ये दोनों ले लेना। और बाबा जी प्रणाम। प्रणाम। मेरा सिर दुखता रहता है। सिर जिन भी बच्चों का दुखता है, अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे ना, इसका सिर से संबंध है सीधा। और मेधावट ये ले लेना, मेमोरी भी शार्प हो जाएगी, सिर भी दुखना बंद हो जाएगा। बाबा जी नमस्ते। नमस्ते। छाती जम जाती है। छाती जम जाती है, ये तो बच्चों को सभी को च्यवनप्राश खिलाना पड़ेगा। इधर आ तू भी। जय, इधर आ। जय कैसे करते हैं? ऐसे। अब अच्छी बेटी हो गई है। बाबा जी नमस्ते, मुझे सिकरी हो जाती है। सिकरी वो डेंड्रफ। सुनो, जिनको भी डेंड्रफ हो जाता है तो आश्रम का शैम्पू करना। आश्रम का शैम्पू मिल जाएगा केश कांति। हाँ, दूसरा एक चम्मच सुहागे की खील। सुहागे की खील एक चम्मच, एक चम्मच नारियल का तेल, एक चम्मच दही, ये लगा के तीन बार ही लगाने से सिकरी खत्म हो जाएगी डेंड्रफ। और प्राणायाम करना रोज। करके बता। और ये, और च्यवनप्राश खा लेना, दूध में हल्दी लेना, ठीक है? ठंडा पानी मत पीना, आइसक्रीम नहीं लेना, कोका कोला पेप्सी नहीं पीना। नहीं पीते ना? उसको हमने बोला ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर। क्या बोलते हैं? ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर। टॉयलेट क्लीनर। टॉयलेट क्लीनर क्या काम करता है? कोका कोला पेप्सी गला खराब करता है ना, उसको मत पीना। और च्यवनप्राश एक एक चम्मच खा लेना, ज्यादा मत खाना, है ना? ठीक है? और प्राणायाम रोज करना। अच्छी बेटी है। जय ओम बाबा जी। ओम बाबा जी। इस बच्चे को बोलने में दिक्कत है, हकलाहट होती है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? कपाल भांति और उज्जाई करने से हकलाना खत्म हो जाता है। और ये थायराइड का पॉइंट दबाना है ना, और इसको उज्जाई प्राणायाम कराना, सर्वांगासन भी कराना। कपाल भांति, उज्जाई, सर्वांगासन, तीन योगाभ्यास नियमित रूप से कराना है। पॉइंट दबाना, हकलाना ठीक हो जाएगा। बोलो बेटू। मैं योगा करता हूँ। योगा करता है? क्या क्या करता है? योगा। क्या करता है? इधर आ। ये कितने साल का है? आपकी एज कितनी हो गई? आपकी एज कितनी है? चार का है। नहीं, चार साल का नहीं हुआ अभी। अभी मैं एलकेजी में आई हूँ। एलकेजी में आया। इधर आ, इधर बैठ, इस पे बैठ जा, योग करके बता। हाँ, बटरफ्लाई, यस। और क्या क्या करेगा? योगिक जोगिंग। हाँ, 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 बहुत अच्छा। और योगिक दौड़ते भी तो हैं। और सुबह सुबह मैं करता हूँ ना, ऐसे ऐसे खड़ा तो हूँ। यहाँ यहीं आ जाए। यहीं तेरी तो स्टेज ऊंची होगी ना बाबा जी। हाँ, हाँ, ऐसे कितनी देर करता है? कितनी देर? मैं कर, रोज करता है? नहीं, रात हो के ना, सुबह उठ के कर, नहा धो के सुबह उठ के करता। और पेट भी घुमाता है? हाँ। घुमा, उधर दिखा, उधर दिखाना सबको। ये बड़ा मजेदार है। और ये भी कर। और क्या क्या करता है? ओम भी बोलता है? हाँ, तो बहुत अच्छा बेटा। नाम क्या है? आदित्य। आदित्य। आदित्य के लिए जोरदार तालियां बजाइए, ठीक है? रोज करना योग। और माँ बाप को प्रणाम भी करते हो? जय करते हो? कैसे करते हो बताओ? नीचे उतर जाओ आराम से। हाँ, दोनों हाथों से, एक से नहीं, दोनों हाथों से। हाँ, तीन।
तो हाँ बाबा जी नमस्ते, मेरा नाम नकुल कश्यप है, मैं एपीजे में पढ़ता हूँ। मेरा प्रश्न है, हम भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए हम बच्चे क्या सहयोग कर सकते हैं? जोरदार तालियां बजाइए इन बच्चों के लिए। अब दूसरे प्रश्न शुरू हो गए हैं। अभी भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, काला धन लाने के लिए और ये जो गलत व्यवस्था है हिंदुस्तान की, इसको बदलने के लिए दो ही चीजें हैं, या तो संसद बदले या सांसद हमारी बात को समर्थन करे। तो संसद लगता है हमारी बात को मानने वाली नहीं है। आपको लगता है हमारी बातें मान लेगी संसद? तो किससे मनाना पड़ेगा? सांसदों से। तो हम अभी अगले साल आंदोलन शुरू करेंगे, उसमें आप लोग अपने अपने सांसदों से हमारे मुद्दे लेके जाना और उनको उन मुद्दों पर सहमत कराना, तो हिंदुस्तान जरूर बदलेगा। इस और हमारी आंखों के सामने अपने हाथों से ही हम एक नया भारत बनाएंगे। सबको योग, सबको स्वस्थ, अब कोई बीमार नहीं रहेगा, कोई नशा भी। क्या आपको पता है ये पंजाब में 72% बड़े लड़के, युवक युवतियां, ओ युवा लड़के उसमें खासकर यंगस्टर्स ड्रग एडिक्ट हो गए हैं। ये बहुत खतरनाक है। अपनी आने वाली नस्लें, आने वाली पीढ़ियां, आने वाला हमारा बच्चों का भविष्य खतरनाक होगा। इसलिए क्या करना है? सबको योग, क्या करना है सबको? और खुद भी करना, पूरे परिवार में कराना। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं, बोलो बेटा, बोलो। मेरी हाइट नहीं बढ़ी और मेरा वेट भी नहीं बढ़ा। आपकी उम्र कितनी हो गई? आपकी एज 7। 7 ईयर्स की हो गई। हाइट बढ़ाने के लिए, वेट बढ़ाने के लिए ना अश्वगंधा खाना, अश्वगंधा का कैप्सूल दिला देगी आपकी माँ, है ना। और दूध में, दूध के साथ खजूर और केला खाना। क्या खाना? दूध, खजूर, केला। दूध, खजूर और केला, हाँ। एक खाएगी तो गुड़िया लंबी हो जाएगी, ठीक है ना। और रोज प्राणायाम करना। और 5 आसन बताए थे ना, पश्चिमतानासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, ताड़ासन। बोलो बेटा क्या कहना है? बाबा जी मेरे को खांसी आती है और नोजी भी आती है। खांसी और नोजी आती है, इसके लिए ना एक अपने आश्रम की दवाई है, उसको बोलते हैं स्वासारी प्रवाही, वो आपको दे देंगे, है ना। वो उसको पीने से खांसी खत्म हो जाती है, और प्राणायाम करेंगे तो बार बार खांसी नहीं आएगी। और वो स्वासारी तरल पीने की लिक्विड दवाई है, आपको एलोपैथी की कोई दवाई लेनी नहीं पड़ेगी, खांसी ठीक हो जाएगी बेटू की। बाबा जी ये बच्चे ना ट्विंस हैं, बाय बर्थ इसकी जो है आईज वीक है। बाय बर्थ आईज वीक है, तो इसके लिए एक तो हल्का हल्का ये पॉइंट दबाना छोटा, है ना, ये वाला, और इसको आंवले का जूस पिलाना और अनुलोम विलोम कराना, आंखें बहुत अच्छी हो जाएंगी 100%। और इतने प्रश्न पूछने वाले हो गए, बोलो। बाबा जी नमस्ते, मेरे दिल में ना वो बहुत सांस चढ़ता है। सांस चढ़ता है? ओ, आपको माँ बाप कहाँ है? इनको हार्ट की प्रॉब्लम है या फेफड़े की? हाँ जी सर जी, इस तरह है, इसके हार्ट जेटा कि नहीं बहुत तड़कता ज्यादा, जिदा थक थक ज्यादा कर रहा। इधर आओ। तो एक तो प्राणायाम करना रोज बेटा, प्राणायाम करने से, और इसको हृदयामृत दे देना तो हार्ट स्ट्रांग हो जाएगा। इसको चेक करवाए, इसको कोई वो तो हार्ट में छेद आदि तो नहीं है ना? बाल बाल कपाल भाती से ट्यूनिंग अच्छी हो जाएगी। हाँ ये प्राणायाम करना। हाँ इसका तो बहुत जोर से धड़कता है, हृदयामृत इसको एक एक गोली दे देना, है ना। और प्राणायाम रोज करना बेटा, थोड़ी वीक भी है, इसको च्यवनप्राश भी दे देते हैं, ज्यादा ही कमजोर है ना। और हृदयामृत खाना और प्राणायाम रोज करना, ठीक है। रोज प्राणायाम करेगी, हृदयामृत लेगी तो ठीक हो जाएगी। हाँ ये च्यवनप्राश भी खा लेना, तगड़ी हो जाएगी बेटी। बाबा जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। मुझे कैल्शियम की कमी है, मेरे हार्ट टेढ़े हो जाते हैं। इधर है। बच्चों को जिसको भी कैल्शियम की कमी हो, आयरन की कमी हो, किसी भी विटामिन न्यूट्रिशन माइक्रो न्यूट्रिशन की कमी हो,
ये जेनेटिक हो जाता है। क्या नाम है बेटा आपका? प्रेरणा। प्रेरणा, देखो इस बेटी को मैं इसलिए बुलाया, कई बार हमको हमारी गलतियों से बीमारी नहीं होती, माँ बाप से बीमारी आ जाती है, जीन्स में पीछे दादा दादी नाना नानी से पीछे से किसी भी, तो उससे क्या होता है हड्डियां कमजोर हो जाती है किसी की, किसी के हीमोग्लोबिन कम रहता है। तो ये कपाल भाती करना एक तो बेटा करके बताओ। हाँ अच्छा करते हो आप तो। तो एक तो कपाल भाती करना है, दूसरा दूध पीना है ना, और कोल्ड ड्रिंक कभी मत पीना, ये कोल्ड ड्रिंक तो हड्डियां कमजोर कर देता है और हड्डियां दुखती हैं पूरे शरीर में। एक एलोवेरा का जूस भी पीना, एलोवेरा का जूस, उससे हड्डियां वीक नहीं रहती, मजबूत हो जाएंगी है ना। तो उसी से ठीक हो जाएगी, रोज प्राणायाम करेगी एलोवेरा का जूस, वो एकदम हार्मलेस होता है। ठीक है बता श्रीवास, क्या हो गया इसको? ओ इसको कई एक गर्दन नहीं पकड़ता, इसको तो तुम अश्वगंधा कैप्सूल देना लगातार और मेधावटी देना, आधी आधी गोली मेधावटी की। कितने साल का हो गया? दो वर्ष। कोई हाँ, वो इसके इसके ना निगाह भी कम है, सुनता भी बहुत कम। हाँ तो इसको अश्वगंधा मेधावटी और थोड़ा थोड़ा आंवले का, थोड़े थोड़ा 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 आंवला देना, अश्वगंधा मेधावटी ये दो देना, ये थोड़ा इसके पॉइंट भी दबा लेना, ये और ये थोड़ा है ना, ऐसे थोड़ा थोड़ा करा ना, अभी तो बच्चा है प्राणायाम तो नहीं कर सकते, इसको दवाई करा ना, घबरा मत, ठीक हो जाएगा जा। तो ये बच्चों के कई बार ना ऐसे बच्चे फिजिकली मेंटली थोड़े डिसेबल बच्चे होते हैं, कई डिफरेंट प्रकार के डिजीज होते हैं, उनको मेधावटी और अश्वगंधा कैप्सूल ये देने से बहुत जबरदस्त लाभ हो जाता है। छोटे बच्चों को आधा आधा गोली मेधावटी अश्वगंधा कैप्सूल तो एक एक दे सकते हैं। हाँ बाबा जी प्रणाम करो। प्रणाम माँ, मेरे को थायराइड की वजह से काफी निशान पड़ गए आंखों के नीचे और गर्दन पे, ठीक ही नहीं हो पा रहे, मैं योगा भी करती हूँ। थायराइड के कारण से जो निशान आ गए हैं माँ, एक तो एलोवेरा जूस पीना शुरू कर दो, एलोवेरा जूस चार चार चम्मच रोज सुबह पिया करो, और एक आरोग्यवटी है आश्रम की, उसमें गिलोय तुलसी नीम है, तो दो दो गोली सुबह शाम खा लेना। ये जनरल जो स्किन डिजीज होती है, ये स्किन डिजीज नहीं होती, एक तो थायराइड के कारण कोलेस्ट्रॉल के कारण से आंखों के नीचे खास स्किन खराब हो जाती है, तो इसमें आरोग्यवटी ले लेना है ना, आरोग्यवटी दो दो गोली सुबह शाम खाली पेट पानी से, और चमड़ी पर खुजली तो नहीं होती, ठीक है, और एलोवेरा जेल लगा लेना, एलोवेरा जेल लगाने से और एलोवेरा पीने से उससे स्किन पूरी अच्छी हो जाती है। हाँ स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, मैं अहमदगढ़ से आया हूँ, यहाँ से 100 किलोमीटर है। ओ बेटा, कुछ महीने पहले हमारे प्रधानमंत्री जी का बयान आया था कि उनके पास ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं है जिससे वो महंगाई कम कर सके या भ्रष्टाचार को मिटा सके। बाबा जी मैं दावे के साथ कहता हूँ 72 घंटे के अंदर भ्रष्टाचार खत्म किया जा सकता है, और महंगाई कम करने के कुछ तरीके मैंने इसमें लिखे हैं, वो सिर्फ आपके लिए है। ये इसकी फोटो स्टेट है, इसकी असली कॉपी मैंने रजिस्टर्ड करवा के रखी है। इसका जो लास्ट पॉइंट लिखा है ना जी, वो आप कभी भी टीवी पे अनाउंस मत करना, उससे 1000 करोड़ रुपए का घोटाला और हो जाएगा जी, इतना कीमती लेटर है जी। जरूर आप मेरे पास लेके। क्या नाम बेटा आपका? राजेश दिनकर, राजेश जिंदल, बहुत आशीर्वाद, खुश रहो बेटा। तो बेटा राजेश 100 किलोमीटर से चल के आया कि बाबा जी हमें देश में से महंगाई को, गरीबी को, अशिक्षा, बेरोजगारी, ये बड़ी समस्याएं देश की, और इसके लिए हमने पूरे सजेशंस अनेक बार दिए हैं कि सारे आर्थिक नीतियों को ठीक किए कीजिए, टैक्सेशन सारे खत्म कीजिए, खाली ओनली ट्रांजेक्शन टैक्स से देश को चलाइए, और बड़े नोट खत्म कीजिए, सारे देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर आ जाएगी और एक नया भारत बनेगा। और बोलो बोलो। प्रणाम स्वामी जी, आजकल हमारे विद्यालय में परीक्षाओं के बाद हमें ग्रेडिंग सिस्टम बताया जाता है, और ग्रेडिंग सिस्टम मुझे समझ में नहीं आता, क्या ये जो सरकार कर रही है क्या वो सही है? आप लोग बच्चे लोग क्या मानते हो, मार्क्स वाला सिस्टम अच्छा था या ग्रेडिंग वाला? मार्क्स वाला सिस्टम होने से पता लगता है बच्चे को कि मैंने कितनी मेहनत की है, और उसकी मेहनत उसकी आंखों के सामने भी आती है, और उससे उसको उसकी जो एक्चुअल जो उसकी कैपेसिटी है, क्षमता है, उसकी प्रतिभा है, उसका टैलेंट है, वो सामने आता है।
तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये जो बहुत बड़ा पाप किया है शिक्षा के नाम पर, ग्रेडिंग सिस्टम ला करके, और बच्चों को फेल करते ही नहीं, तो बच्चे पढ़ेंगे क्यों? ग्रेडिंग करके, मार्क्स खत्म करके और फेल होना बंद करके, इससे तो ये हो गया कि ठीक है अब बच्चे पढ़े या ना पढ़े, आगे बढ़े या ना बढ़े, इससे बहुत बड़ा पाप किया है। हम इसका विरोध करते हैं और भविष्य में सरकारें बदलेंगी तो इस व्यवस्था को भी हम बदलाएंगे, क्योंकि ये तो बेईमान बदलने वाले हैं नहीं। तो दोबारा से मार्क सिस्टम ही लागू होना चाहिए हिंदुस्तान में ग्रेडिंग सिस्टम की जगह, और फेल होने वाली प्रक्रिया भी रहनी चाहिए जिससे कि कम से कम बच्चे मेहनत तो करें, नहीं तो ऐसे ही फालतू में अपना समय खराब करते रहेंगे, बर्बाद करते रहेंगे, उससे हिंदुस्तान का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। बहुत आशीर्वाद बेटा, क्या नाम है आपका? आकृति। आकृति पहले कितने नंबर लाते थे बेटा? 85-90 नंबर आते थे, अब इसको ग्रेडिंग होने से पता ही नहीं लगता है। तो अब बेटा और खूब मेहनत करना है ना, ये ग्रेडिंग तो ये सब गवर्नमेंट जो है ना पॉलिटिक्स का बिना मतलब राजनीति का बेवजह दखल एजुकेशन में हो रहा है, ये बड़ा खतरनाक है। बच्चे भी ना खुश हैं, एक बार जोरदार तालियां बेटी के लिए। खुश रहो बेटा, खुश रहो बेटा। स्वामी जी प्रणाम। जी स्वामी जी, मेरे ना इधर बैक पे पेन होती है सारी, ऐसे करता हूँ तो भी इधर सारी खींच पड़ती है, अगर ऐसे कर रहा हूँ ये सारी साइड सारी। बेटा तुम्हारी हड्डियां कमजोर है, दूध में एक तो हल्दी लिया करो, एक शिलाजीत रसायन गोलियां आती है आश्रम की, और दो दो गोली खा लेना शिलाजीत रसायन की, हड्डियां एकदम मजबूत हो जाएंगी। अश्वगंधा भी ले सकते हो, वो भी मसल्स के लिए अच्छी होती है, अश्वगंधा और शिलाजीत, है ना? बाबा जी प्रणाम। हाँ। बाबा जी, मेरा बेटा है, इसके ना यहाँ पेट पे साइड पे दर्द रहता है, इसके मैंने स्कैन भी करवाया उसमें कुछ नहीं आता, लेकिन मतलब रेगुलर इसको दर्द एक तो आंवला एलोवेरा का जूस पिला देना एक एक दो दो चम्मच, आंखों में पर बहुत ज्यादा हो गया सिलेंडर, आंवला एलोवेरा जूस पिला देना, आंख और पेट दोनों अच्छे हो जाएंगे। और कपालभाति प्राणायाम करना बेटा, कपालभाति प्राणायाम भी करना। टॉन्सिल है, इसके डॉक्टर कह रहे ऑपरेशन होगा टॉन्सिल। टॉन्सिल के लिए त्रिकुटा चूर्ण, बहेड़ा चूर्ण और प्रवाल पिष्टी अपने सेंटर से दे देंगे पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्र से, और ये पॉइंट दबा लेना टॉन्सिल 100% अच्छे हो जाते हैं। इसको कपालभाति उज्जाई कराना, ये दोनों प्राणायाम। और प्रणाम प्रणाम। हाँ बोलो बेटा, बोलो। ओम बाबा जी। हाँ। मैं बोल और पोल खोल वो करने जा रही हूँ। बोल और पोल खोल, हाँ, भ्रष्टाचार के खिलाफ। हाँ बोलो। मैंने आपका पहले एक प्रोग्राम देखा था जिसमें एक बच्चे ने मतलब क्वेश्चन पुट किया था कि चाइल्ड लेबर के बारे में, और ये मैं आंखों देखी और सबको बता रही हूँ, मतलब विद प्रूफ बात कर रही हूँ, मतलब बच्चे जो भी चाइल्ड लेबर के हैं वो चाइल्ड लेबर के नहीं है। जहां भी इन्होंने स्कूल खोले शायद एनजीओ अपनी पब्लिसिटी के लिए या सोशल वर्कर शो करने के लिए ये सब कर रहे हैं, लेकिन ये सच है कि बच्चे सारे प्राइवेट स्कूल में सुबह पढ़ते हैं शाम को स्कूल में जा रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पांचवी पास कर चुके हैं और शायद दो या तीन बार और कर लेंगे। और इसके लिए मैं ये भी बता देती हूँ कि इसको ढूंढने के लिए इनके रजिस्टर से बच्चे उठाओ, प्राइवेट स्कूल जो लोकल आसपास के हैं उनके रजिस्टर से बच्चे उठाओ, ये मैं लिख के देती हूँ कि सेम मिलेंगे। ठीक है, बात आशीर्वाद बहन को कि बाबा जी कुछ पोल खोल। हाँ बोलो। ओम बाबा जी, मेरा पेंडेक्स का ऑपरेशन हुआ है, उसके बाद मेरा सर बहुत दर्द करता है। बेटा इसके लिए ना अनुलोम विलोम करना, प्राणायाम से सिर दर्द गायब हो जाता है। बादाम रोगन नाक में डाल लेना, बादाम रोगन नाक में डाल के पिताजी ले लेंगे अपने पतंजलि चिकित्सालय से मिल जाएगा बादाम का तेल, है ना? बादाम का तेल नाक में डालना, और बादाम और अखरोट इसको दो दो तीन तीन खिला भी सकते हो रोज, ठीक है? या गाय का घी भी नाक बीच डाल सकते हो, दूध बीच ले सकते हो गाय का घी, है ना? सिर दर्द ठीक हो जाएगा। हाँ बाबा जी, स्वामी बाबा जी, मेरी मदर के ना कह रहे हैं डॉक्टर की नीज की बिल्कुल ग्रीस खत्म हो गई है और इसको रिप्लेस करवा दो, क्या वही एक सोल्यूशन है? बन नहीं सकती ग्रीस? ग्रीस बनने लग जाती है, हड्डियों में रीजनरेशन भी होता है, रीजनरेट भी होते हैं सेल्स, लेकिन उसके लिए कंटिन्यूअस प्राणायाम का प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो माँ से बोलिए कंटिन्यूअस प्राणायाम की प्रैक्टिस करेंगे, एलोवेरा जूस लेंगे और अपने आश्रम की दवाई है ना अर्थराइटिस के लिए, चंद्रप्रभा, योगराज, सिंहनाथ, गुगुल आदि, वो अपने पतंजलि चिकित्सालय ले लेंगी,
तो 90% से ज्यादा उम्मीद ये होती है कि वो ठीक हो जाएंगी। ठीक है स्वामी जी, नमस्कार। नमस्ते। मैं एनजीवाई बॉक्सिंग एनजीवाई एकेडमी का बॉक्सर हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक आम आदमी भ्रष्टाचार के विरुद्ध कैसे लड़ सकता है। बेटा पूछ रहा है, ये विवेक के बच्चे हैं, ये बॉक्सिंग बहुत अच्छी करते हैं, और ये बच्चे पूछ रहे हैं कि बाबा जी हम क्या कर सकते हैं। तो हमने कहा अब दिसंबर महीने के बाद फरवरी मार्च और उसके बाद अप्रैल मई तक एक लंबा आंदोलन चलेगा। संसद ने यदि हमारी बात नहीं मानी तो हर एक जिले में सांसदों से हम अपनी बात मनवाएंगे। सांसद, एमएलए और लोअर अथॉरिटी में मेयर, ये तीनों से विदेशों में जमा काला धन और अवैध संपत्ति को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कराने के लिए और उसको देश में लाने के लिए करप्शन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जानकारी मांगने के लिए सब जब सहमति दे देंगे, आर्थिक नीति और कर प्रणाली में सुधार के लिए और व्यवस्था में परिवर्तन के लिए, तो इस भारत में नया इतिहास बनेगा। तो अगले साल जब आंदोलन चलेगा उसमें जो जो आपको डायरेक्शन दिए जाए उस दिशा में सब लोग मिलकर के काम करेंगे, तो 121 करोड़ लोगों को उनका हक मिलेगा।